हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी। आप किसी भी स्वेटर में लगा सकते हो, अपने बच्चे के स्वेटर में या कार्डिगन में या जैकेट में, किसी में लगा सकते हो। तो देखिए, मैंने ये एक स्वेटर बनाया है अपने बच्चे के लिए और इसमें मैंने लगाए हुए हैं। और ऐसा स्वेटर मैंने बनाया है एक और, तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। और बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ईजी है ये। तो देखिए, मैंने यहाँ दो कलर की ऊन ली है, एक हरी एक लाल, और 10 नंबर की क्रोशियोक लिया है। तो देखिए, मैं यहाँ एक पहले नॉट लगा लूँगी, नॉट लगाने के बाद यहाँ चैन, चार चैन बनाऊँगी। और यहाँ जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से। पहले चेन बनाऊंगी, यहाँ जो हमने चार चेन बनाई उसी होल में हम डबल क्रोशिया लेंगे, तीन डबल क्रोशिया लेंगे। एक, दो, ये तीन, और यहाँ मैं एक साथ फंदों को निकाल दूंगी। तो मैं फिर एक तीन डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ। फिर एक फंदों को साथ निकाल दूंगी एक साथ। तो देखिए, मैंने यहाँ तीन डॉट से बना लिए हैं, एक चैन बनाई, फिर इसके ऊपर जस्ट बीच में इसके तीन डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर एक साथ फंदों को निकाल दूंगी। फिर यहाँ बनाऊंगी दूसरी चैन में तीन डबल क्रोशिया। फिर एक साथ निकाल दूंगी। इसी तरीके से हम चार डॉट्स बना लेंगे यहाँ। फिर यहाँ लास्ट में बनाऊंगी तीन डबल क्रोशिया। फिर यहाँ एक साथ निकाल दूंगी। तुम्हारी चार डबल क्रोशिया हो गई, यहाँ चार डॉट्स हो गए, सॉरी। फिर एक चेयर बनाऊंगी। अब हमें पांच डॉट्स बनाने हैं। देखिए किस तरीके से, पहले यहाँ बनाऊंगी जस्ट बगल में, फिर यहाँ बनाऊंगी बीच में एक, दो हो गए। फिर यहाँ बनाऊंगी, तीन हो गए। चार हो गए, यहाँ एक और बना लूंगी। ये पांच हो गए। देखिए,
अब यहाँ एक चैन बनाऊंगी। अब मुझे चार बनाने हैं डॉट से, तीन डबल क्रोशिया यहाँ बनाऊंगी। सॉरी, चार डबल क्रोशिया बनाई है मैंने, यहाँ थोड़े बड़े रखने हैं ऊपर। यहाँ चार चार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ चार डॉट्स बना लिए हैं। अब लूँगी यहाँ हरे कलर की ऊन ज्वाइंट करूँगी। तो पहले दो चैन बनाऊँगी यहाँ, फिर ये इसी चैन में, सॉरी उसी होल में एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। जहाँ मैंने चैन बनाई थी फिर यहाँ दो डबल क्रोशिया बनाऊंगे, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाऊंगे दो, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाऊंगी दो, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाऊंगी दो। तो देखिए मैंने बना ली। अब एक साथ फंदों को निकाल दूंगी। तो देखिए बन गए। बहुत ही इजी है, आप किसी भी स्वेटर में लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगता है इससे स्वेटर, अपने बच्चों के स्वेटर में लगा सकते हो। और इस ऊन धागे को मैं यहाँ से अंदर करके कट कर दूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।